नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। पिछले कुछ दिनों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो और शो के निर्माता असित कुमार मोदी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। बता दें कि शो में रोशन कौर सोडी यानी कि जेनिफर मिस्त्री और बावरी यानी कि मोनिका भदौरिया दोनों ने ही निर्माता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रोशन कौर सोडी यानी कि जेनिफर ने असित कुमार मोदी पर शोषण का गंभीर आरोप भी लगाया है। अब इस तमाम मामले में असित कुमार मोदी का बयान सामने आया है। असित मोदी ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को झूठा करार दिया और साथ ही ये भी कहा कि जेनिफर का सेट पर बर्ताव ठीक नहीं था, वो सभी के साथ बदतमीजी करती थी और साथ ही उनमें अनुशासनहीनता काफ़ी ज़्यादा थी, वो काम पर फोकस नहीं करती और जब उनका सेट पर आखिरी दिन था उस वक्त भी सभी लोगों के सामने उन्होंने गाली गलौज की और साथ ही बिना शूटिंग खत्म किए वो सेट से वापस चली गई। ये आरोप तमाम डायरेक्टर भी लगा रही हैं। यहाँ पर बता दें कि डायरेक्शन यूनिट के तमाम लोग यहाँ पर जेनिफर मिस्त्री पर कई गंभीर आरोप लगाए। डायरेक्शन टीम हर्ष जोशी, ऋषि दवे और अरमान का भी यही कहना था कि जेनिफर सभी के साथ गाली गलौज करके और बिना शूटिंग खत्म करे ही उस दिन शो से वापस चली गई। साथ ही यहां पर असित कुमार मोदी का साफ कहना है कि जेनिफर उन्हें और इस शो को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए अब वो कानून की मदद भी ले सकते हैं। इसी के इतर अगर बात करें जेनिफर की, तो एक इंटरव्यू में जेनिफर ने खुलासा किया था कि असित मोदी ने उनके साथ यौन शोषण किया है और साथ ही आपको बताते चले कि असित मोदी के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज भी करवाया गया है, जिसके समर्थन में यहां मोनिका भदौरिया भी खड़ी होती नजर आई। हालांकि अब यहां देखना ये है कि असित मोदी जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आगे क्या जेनिफर मिस्त्री और मोनिका भदौरिया पर इस तरीके की कार्रवाई होती है, और अगर होती है तो आखिर जीत किसकी होगी।